की गारंटी पर भरोसा हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के निर्वाचन अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में मत करवाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपसे ना एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, शहरी क्षेत्रों में विधानसभा में अभी आपको कम मतदान ऐसा दिखा होगा, परंतु इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो जो प्रथम मुझे ये समझ में आता है कि अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है, मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है, मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है। परंतु जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है वह आशा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी को वोट देने के लिए माताओं बहनों ने आगे आकर के मतदान किया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें निसंदेह भाजपा जीतेगी। नहीं नहीं, आरोप लगा देना एक अलग बात है। भाजपा की तो 3 बार की सरकार थी, फिर इनकी सरकार आई थी तब नहीं लगाया कोई आरोप। अभी 3 महीने में भाजपा की सरकार आने हैं तो आरोप लगाना शुरू कर दिया, तो अब लगाते भैया कि हमारे पक्ष में मतदान करा दिया इसलिए हमारी सरकार बन गई करके। जो तटस्थता है प्रशासन की उसको बने रहने देना चाहिए उसको। ऐसे पिछली बार भी यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था, तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि उनकी छवि के साथ जब वो जा रहे हैं तो शायद देखिए क्या होता है, परंतु जनता में तो कुछ नकारात्मक। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ चुनाव भी संपन्न हो चुका है, अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है। रायपुर लोकसभा के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है, स्ट्रांग रूम को बैरिकेड से घेरा गया है, स्ट्रांग रूम 24 घंटे कैमरे की निगरानी में है, पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहां पर कर रखे हैं। चरणों में 11 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और सभी जिलों में ईवीएम पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद है रायपुर लोकसभा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। आप देख सकते हैं ये वो भवन है जहां पे ईवीएम मशीनें रखी गई है और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहां पर कर दी गई है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ। इसके अलावा 24 घंटे पुलिस बल तैनात हैं, इसके साथ ही कैमरे से निगरानी की जा रही है, हर एक कोने में कैमरा लगाया गया है जहाँ पर सीधा मॉनिटरिंग जो है पुलिस प्रशासन साथ में करेगी, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यदि कोई अंदर जाता है भवन में तो वो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि ये जब तक काउंटिंग नहीं होती है तब तक के यहां पर जो है व्यवस्था रहेगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां पर इसी तरीके से व्यवस्था है। रायपुर लोकसभा के यहां पर रायपुर जिले में जो 7 विधानसभा है वहां के ईवीएम मशीन रखे हैं, इसके अलावा जो 2 विधानसभा पड़ते हैं वो बलौदा बाजार में रखे हैं। काउंटिंग 4 तारीख को होगा और सभी जगह जो है वो काउंटिंग एक समय में होंगे, तब तक के लिए ये व्यवस्था इसी तरीके से रहेगी। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया, दुर्ग में भी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। भिलाई के जुनवानी स्थित शंकराचार्य कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है, इसे ही स्ट्रांग रूम बनाया गया। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद अब ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य कैद हो गए हैं और यहां पर भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर तमाम ईवीएम्स को रखा गया है। सुरक्षा आप देख सकते हैं कि किस तरह पर यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यहां पर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है और तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो की गई है, सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है और तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ की जा रही है जिससे कि पूरी तरह से सुरक्षा रह सके। तो यहाँ पर ईवीएम्स यहाँ पर रखी गई है, जिले में करीब 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बेमेतरा को छोड़कर यहाँ पर 6 विधानसभाओं के ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है और 4 तारीख को यहाँ पर 4 जून को मतगणना होगी, उसकी भी सारी तैयारियाँ की जा रही है। देर रात तक ये प्रक्रिया चली है, अलग अलग जगहों से जो ईवीएम्स आई उनको अलग अलग जगह पर रखा गया है, काफ़ी बारीकी से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। अब बस इंतज़ार किया जा रहा है उस वक्त का कि जब 4 जून की तिथि आएगी और मतगणना होगी। यदि मतदान की बात किया जाए तो दुर्ग जिले में इस बार करीब 2.5% अधिक मतदान हुआ है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह बढ़ा है ये नज़र आ रहा है और जो प्रशासन ने जो तैयारियाँ की
की थी, वो भी तैयारियां जो है वो काफ़ी सफल होती हुई नजर आई है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जग्गी हत्याकांड के मामले में बड़ी खबर है, दोषी फिरोज सिद्दीकी कोर्ट में पेश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से मिले एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण के मामले में, एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण से राहत का बॉन्ड भरने पहुंचा है और रायपुर के कोर्ट में बॉन्ड भरने के लिए ये पहुंचा हुआ है, तो फिरोज सिद्दीकी कोर्ट में पेश हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सुप्रीम कोर्ट से एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण का ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट से एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण मिला था और फिरोज सिद्दीकी कोर्ट में पेश हो गया है, ये बड़ी खबर। और ये मामला जो है जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें जग्गी हत्याकांड जो हुआ था 2 दशक पहले ये मामला सामने आया था और इसी मामले में जो दोषी है वो कोर्ट पहुंचा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर। युगल, और कितने दोषी बचे हैं जिन्होंने अभी सरेंडर करना बाकी है, और ये एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण का मामला क्या है, थोड़ा समझाइए। युगल हमारे संवाददाता जो हैं वो लगता है कि अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और ये समझने की कि एग्जामिनेशन सरेंडर का ये मामला क्या है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट पहुंचा है जो दोषी है जग्गी हत्याकांड के मामले का, फिरोज सिद्दीकी। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। युगल, ये सुप्रीम कोर्ट से एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण मिला था, ये क्या है मामला और कितने दोषी ऐसे हैं जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं? जी देखिए, जग्गी हत्याकांड मामले में जो दोषी हैं उन्हें लगभग 6 जो दोषी है उन्हें पहले सरेंडर से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक एक करके सभी सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि अभी तक SLP है, सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया गया है, तो ऐसे में जमानत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो फिरोज सिद्दीकी है उसे कुल 5 साल की सजा हुई थी, एक अन्य आरोपी को जो एग्जामिनेशन बॉन्ड भरने और जो सरेंडर करने से राहत देने के पहले जो एग्जामिनेशन बॉन्ड जो भरना है उसके लिए आज जो फिरोज सिद्दीकी है जो दोषी है वो यहाँ पर रायपुर पहुँचा हुआ है और वो जो बॉन्ड है वो भर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, जो आदेश है, उसके तहत से बॉन्ड भरेगा, उसके बाद उसे कुछ दिनों की जो सरेंडर करने की जो मोहलत है वो दी जाएगी। फिरोज सिद्दीकी को कुल 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें से 4 साल की सजा फिरोज सिद्दीकी ने काट ली है, तो ऐसे में 1 साल का जो समय वक्त लगता है, जब इस मामले की सुनवाई होगी SLP जब तक दायर नहीं होता है तब तक हो सकता है उसे सरेंडर करने की छूट है वो मिल सके, लेकिन SLP जब दायर होगा सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद ही ये फैसला होगा कि आखिर उन्हें सरेंडर करने से मोहलत मिलेगी या फिर नहीं। फिरोज सिद्दीकी के साथ साथ एक अन्य आरोपी है, उसे भी इस तरह के जो बॉन्ड भरने के जो अनुमति है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो ये कहा जा सकता कि जग्गी हत्याकांड के मामले में लगभग 32 जो दोषी हैं वो उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है, क्योंकि इन्हें जो निचली अदालत से जो सजा मिली थी उम्र कैद की सजा मिली थी, बहुतों को अलग अलग धाराओं के तहत जो सजा मिली थी तो उस सजा को बरकरार रखा गया है, तो ऐसे में दोषी जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आगे इनकी सुनवाई है, चाहे वो जमानत याचिका पर हो या फिर राहत को लेकर है, वो नहीं हो सकती। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। शराब घोटाले में EOW ने फिर से एक्शन किया है और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई की गई है। शराब कारोबारी के ठिकाने पर सुबह से ही यह कार्रवाई जारी है। भिलाई के नेहरू नगर में त्रिलोक सिंह ढिल्लो का घर है और यहां पर यह कार्रवाई चल रही है। EOW का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। शराब घोटाले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाले की बात कही गई उसकी जांच EOW कर रही है और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो के ठिकाने पर छापा मारा गया है। तो
शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो के ठिकाने पर यह छापे की कार्रवाई ईओडब्ल्यू की तरफ से की जा रही है, छापे की कार्रवाई और अभी जांच की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। सुबह से कार्रवाई जो है वो लगातार इसी तरीके से चल रही है, अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई जारी है, पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। बता दें आपको कि शराब घोटाले का ये पूरा मामला है, जिस मामले में शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो के ठिकाने पर ये कार्रवाई हो रही है। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई के बारे में? देखिए पुलिस ईओडब्ल्यू की टीम आज सुबह से ही त्रिलोक सिंह ढिल्लो के भिलाई स्थित निवास में पहुंची हुई है, जहां पर लगातार कार्रवाई जारी रही थी, करीब दोपहर तक ये कार्रवाई जारी रही। लेकिन ईओडब्ल्यू काफी इसमें काफी इसको किसी को पता न चले इसका ये खास ख्याल रख रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो है वो अलग अलग जगहों पर रखी गई थी, लेकिन टीम अंदर मौजूद रही थी। तो ये त्रिलोक सिंह ढिल्लो वही एक टीम जो शराब घोटाले में इनका नाम प्रमुखता से आता रहा है, अभी फिलहाल वो गिरफ्तारी में जेल में है, लेकिन उनके उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, कई बार उनको रिमांड में भी लिया गया और उनकी शायद उन्हीं में से कोई बातचीत निकल कर आई होगी कि शायद उनके घर में और भी कुछ है, तो इसी सूचना के आधार पर आज टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, छानबीन की गई है और उसके बाद में बताया जा रहा है कि टीम को कुछ टीम रवाना हुई, कुछ यहाँ पे थी, क्या कुछ है ये उनके द्वारा अधिकृत रूप से कब जानकारी दी जाएगी। तो ये टीम क्या वहां से अब रवाना हो चुकी कार्रवाई करके? देखिए मैंने पहले कहा कि सर इसको काफी गुप्त रखा गया था इस छापामार कार्रवाई को, क्योंकि जिस समय यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी भिलाई, उस समय तक उनकी गाड़ियां नजदीक थी, लेकिन उसके बाद में उन गाड़ियों को अलग कर दिया गया, तो काफी गुप्त रूप से यहाँ पर टीम पहुंची और उसके बाद उन लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जब ये पता किया गया तो यो डब्ल्यू की टीम वहां पर मौजूद थी और काफी घंटों तक वहां पर कार्रवाई करती रही थी। अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ टीम वहां से चली गई है, लेकिन कुछ टीम है, अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ और ना ही कोई बहुत स्पष्ट रूप से कोई जानकारी दी गई है, लेकिन ये जरूरी है कि लगातार इस मामले में परत दर परत खुल रही है और इसके तहत में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। और बढ़ते हैं आगे, रायगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर कपड़ा दुकान में आग लगी है, आग को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, दमकल की दो गाड़ियां मौके पर ही मौजूद हैं। बताया ये गया कि शॉर्ट सर्किट संभवतः इसकी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से ये आग लगी, लाखों का सामान यहां पर रखा हुआ था जो कि जलकर खाक हो गया। इधर शेड्यूल की बात करेंगे, जहां पर गैंगरेप के आरोपियों का घर गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई थी, परिजन और स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे, दूसरों का भी घर गिराने का आरोप लगाया गया। कल्याणपुर में गहमा गहमी का माहौल बना, गैंगरेप के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 10वीं की छात्रा से 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। शेड्यूल के कल्याणपुर क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह मामला जो है शेड्यूल से गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और इनके घर को गिराने के लिए प्रशासन का हमला पहुंच गया है, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरों का भी घर गिराने का आरोप लगाया गया है। बड़ा गहमा गहमी का माहौल यहां पर कल्याणपुरा में बन गया है। गैंगरेप के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 10वीं की छात्रा जो है उससे 5 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, गैंगरेप किया था। शेड्यूल के कल्याणपुर क्षेत्र की यह घटना बताई गई है। सौरभ पांडे शेड्यूल से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ बताइए पूरा मामला। सौरभ आप सुन पा रहे हैं? हेलो सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? आ रही, बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। जी बताइए पूरा मामला। मौके पर जिला प्रशासन की जो टीम है वो घर ढहाने का काम तेजी से कर रही है। जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची थी, शुरुआती जो समय था, परिजनों ने जमकर यहाँ पे विरोध किया था। परिजनों का ऐसा आरोप था कि जो मुख्य आरोपी है उनका घर छोड़कर प्रशासन जो उनके दूसरे परिजन है उनका घर ढहा रही है। लगातार इस मामले में प्रशासन ने दबाव बनाया और अनाउंसमेंट कराने के बाद अंततः घर गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है।
यहाँ पर गहमा गहमी के माहौल बना हुआ है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और परिजनों को घर से बाहर कर दिया गया है और लगातार अनाउंसमेंट कर करके घर ढहाने कार्रवाई जारी है। अभी एक मुख्य आरोपी। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आइए देखते हैं टॉप 20 खबरें। रायगढ़ में कपड़ा दुकान में